Oh no! Hey! आइए देखते हैं बैर। आज हम उसकी बात करेंगे जिसने हमारे समाज को लंगड़ा लूला बना दिया है। तू तेरी झलक शर्फी शिवली नैना मदक बर्फी। ये कौन सी बीमारी है भाई साहब? यही नहीं, अभी और सुनिए। सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे। Not bad, not bad. Now you. ना सामे रारा सामे बंगरु सामे मिसला सामे रोशन। ये क्या है? पंक सर, ये तो टट्टी है। थैंक यू पंक। आ बैठ और टट्टी कर। अबे झुकेगा नहीं तो हगेगा कैसे? साले तूने पैंट में टट्टी कर दी। पुष्पा का हम पर कितना असर पड़ा है कि आजकल मकान भी पुष्पा ईंटों से बन रहे हैं। इस ईंट से मकान बनवाओ कभी झुकेगा नहीं। क्या हो रहा है? पत्थर हटाने के लिए झुकेगा नहीं। पुष्पा पलम्बर। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? पुष्पा जैसी फिल्में देखकर दिल्ली के 3 नाबालिगों ने कर दी हत्या, लेकिन पुष्पा अभी भी झुकेगा नहीं। साला न्याय करो, तुम न्याय करो। सीएम डीएम के पास का कुछ नहीं है। ये बकिया रिकॉर्ड करा। हाँ तो मुझे अब बताओ, ऐसी फिल्में देखकर नाबालिगों ने खून कर दिया तो इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार अल्लू अर्जुन है। अबे साले, स्टोरी राइटर भी हो सकता है। राजा भोसड़ी के क्या हो सकते हैं? यशोद मीठा डायरेक्टर। करण जौहर की बात कर रहे हो क्या? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। शकल गंदी ओ नल्ली बासी बर्फी तू कल की। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। ये क्या है? तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हर्फी। यही नहीं, अभी और सुनिए। श्रीवल्ली नैना मदक झलक शर्फी शिवली नैना मदक बर्फी। बहुत कंफ्यूज है, ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? शिवली नैना मदक बर्फी। मेरी झलक शर्फी। बस कर भाई, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। पुष्पा, पुष्पराज पुष्पा, पुष्पराज यह वत्ते कैदल।